So hey guys, welcome back to another new vlog. और आज जो हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं एक महल में. दिखाऊंगा मैं आगे चल के भी फिलहाल रास्ते में. तो अभी का जो शॉर्ट्स हैं वो फिर रास्ते से ले रहा हूँ डायरेक्ट. व्लॉग इससे पहले स्टार्ट नहीं किया था. तो गाइज हमारे साथ जो है ना आज एक और भी आया बंदा. देखो पीछे बैठा है जयान. हाँ भाई, कहाँ चल रहे हैं हम? तो वहीं चलते हैं और रास्ते को दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, और फिर वहीं मिलते हैं आपसे. अभी हम रास्ते में आधे घंटे में पहुंच जाएंगे. ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इधर उधर का, और कोई इधर से आ रहा उधर से आ रहा. मेरी वैसे ही भी कंफ्यूज हो रहे हैं. फिलहाल मैं रास्ते की ब्लॉगिंग मन कर रहा हूँ, वहीं जाके देखूंगा. ठीक है, देखो सामने चल रही है गाड़ी, इसके पीछे ना चैन लटक रही है. थोड़ा पास लेना मनोज भाई, इसका चैन लटक रही है, उसमें चिंगारी निकल रही है. किसी की गाड़ी के अगर पीछे कोई पेट्रोल वगैरह कुछ लीक भी हो रहा हो ना हल्का सा भी, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये ऐसे देख के रखना चाहिए लोगों को. गाइस अभी रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है ना, मतलब एक्सप्रेस वे पे ऐसा हम मतलब सोच भी नहीं सकते एक्सप्रेस वे पे इस तरीके का गड्ढा मिल जाए. काफी गहरा गड्ढा था वो, और ऐसा था वो कि अभी नया नहीं था, काफी पुराना था. मतलब होते 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 काफी गहरा हो गया वो. मतलब बाइक वाला तो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि हम संभल गए क्योंकि कार का ज्यादा अलाइनमेंट बिगड़ेगा और क्या होगा, और ज्यादा ये होगा कि तो बराबर में निकलेगा तो उससे भी टक्कर हो सकती है. लेकिन बाइक वाला तो जरूर गिर ही जाएगा और एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो सकता है. तो ये जो इस चीज की मेंटेनेंस रखते हैं उनको देखना चाहिए काफी. अरे बहुत बड़ा गड्ढा था भाई, वो चल गया पीछे से, वो चल के इसकी खोपड़ी ऊपर लगती थी. टेढ़ी हो गई थी ना गाड़ी. तो गाइस फाइनली पार्किंग में लगा दिया गाड़ी. हाँ ये रहा ना मेरे पास, तो मेरा लाइट नहीं बंद करी उसकी. कहाँ से है? बाहर से यूज आएंगे भाई, पार्किंग है सभी है. थोड़ा सा ना सीन हो गया के एंट्री करने नहीं दी, वो कह रहे मनोज भाई के पास मास्क नहीं है ना. नहीं है यार, मास्क नहीं है. लेकिन जो है मैंने इनसे बोला मफलर लगा लेंगे, लेकिन वो कह रहे नहीं अलाउड नहीं है. मैंने कहा मोदी जी तो लगाते हैं हमारे मफलर. मास्क है भैया, हमें जाना है सेकंड पे. चले फूड कोर्ट वगैरह, हमारे साइड पे एप्पल सर्विस सेंटर. एप्पल सर्विस सेंटर, एप्पल सर्विस सेंटर क्या करोगे भाई? एप्पल का फोन लेना है, सर्विस करानी है यार, खराब हो गया फोन. दिखाओ बोर्ड नीचे खड़ी है, बाहर खड़ी है. चलो इधर से घूम के चलते हैं. एकदम शानदार ऐसा आता है. मतलब हम भी अभी जाएंगे नीचे, इसकी राइड लेंगे, देखेंगे कितने रुपए का है, क्या है, क्या टिकट है इसका, पूछ के उसके बाद फिर हम भी चलेंगे यहाँ पर. इसका मजा अलग है. ये मॉल कम महल ज्यादा लगता है मुझे ना, क्योंकि मैंने कई बार देखा है इसे. मैंने क्या एक बार जाना जरूर है, देखना है. हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी. ओ भाई मोबाइल पानी में मत फेंक दियो भाई, मोबाइल मेरा. कौन गैर मोबाइल देख. हाँ भाई पानी में चलना है, नहीं चलना है, चलो. पैसे कौन देगा भाई? मैं गाय को दूंगा भी पैसे. मैं क्यों दूंगा पैसे? नो नो नहीं. कम 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 कम. प्यूमा का स्टोर है यहाँ पर. प्यूमा का स्टोर में चलेंगे कुछ लेने, बता कुछ लेना है. स्टार्स देखियो कितने सही लग रहे हैं. लिवाइस का शोरूम इधर है. सारे शोरूम है यार अच्छे वाले यार, लेकिन हम ले नहीं पाएंगे यार, पैसे नहीं है ना अभी. हम गरीब है, गरीब है, हम गरीब है, क्या करेगा, गरीब है, हम गरीब है, गाइस हम गरीब है. गाइस लाइक फॉलो कर दो, गाइस लाइक करो फॉलो करो गाइस, प्लीज प्लीज गाइस. ये देखो ये वाले जो स्टार्स हैं गजब लग रहे हैं मुझे तो, दिल कर रहा है ना तोड़ के ले जाऊं. और ये सजाए हुए देखो, ये भी इधर लगा रखी है इन्होंने तो. और क्रिसमस ट्री देखो सामने. चलेंगे नीचे भाई, यहाँ का व्यू बहुत शानदार है. मतलब नीचे से खड़े हो और अच्छा आएगा. हम आगे से लेके शॉट लेंगे कुछ चल के. मैंने अपना मोबाइल दे दिया मनोज भाई का, उनका ले लिया व्लॉगिंग के लिए. लाऊंगा यार मैं भी आईफोन 12 मिनी या 12 लूंगा, इससे व्लॉगिंग अच्छी आती, वाइड एंगल लेंस मिल जाता है मुझे इस वजह से. उसके बाद थर्ड फ्लोर पे कोर्ट शायद कुछ खाना वगैरह का है उसमें, उसके बाद देख के हम चलते हैं नीचे और एक राइड लेंगे उसकी. उसका कॉस्ट वगैरह मुझे भी पता नहीं है, पूछूंगा. शायद मास्क के लिए बोल रहे होंगे, मास्क लगाना पड़ेगा. देखिए झूमर कितना, झूमर तोड़ने जाओ जाओ जाओ, झूमर तोड़ो. यहाँ खींचेगा फोटो
पीछे वो भी है पानी वाली नदी, नदी नहर बहरिया। पानी ये नीला है, इसके नीचे कुछ वो लगा रखा है, मेरे हिसाब से नीला नीला पेंट हो रहा है पानी, इस वजह से इतना नीला लग रहा है। पेंट इतना है नहीं वैसे। सामने इसके बेकरी वगैरह है कुछ, तो यहाँ बैठ के खाओ तो मज़ा लगे थोड़ा। और ये जा रहा है आपका इस तरफ से, इस तरफ पूरा लंबा उधर तक जा रहा है, उस जगह से नाव लगती है वहाँ से आएंगे ना, चले ना वहीं। जो ये कलर्स आ रहे हैं ना, ये वाले बहुत बढ़िया कलर्स आ रहे हैं। हाँ आ गई नाव। हाँ। भाई से नाव की इतनी एक्साइटमेंट है, नाव आ गई, नाव आ गई, नाव में जाने के लिए तैयार। भाई नाव का यार बहुत ज़्यादा खर्चा है, मैं फिलहाल खेल नहीं पाऊंगा भाई, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं खर्चा नहीं उठा पाऊंगा नाव का। इसका नाम है चार्जेस ऑफ गेंडोला राइड, गोंडोला गोंडोला चाचा पा पा पा। ये पूरा का पूरा व्यू जाएगा सीधा सीधा, ये मतलब यहाँ से सीधा जाएंगे अंदर, ये नदी जो है हिमालय के उसमें जाके मिल जाती है पहाड़ों में। ये वाली नदी जो बह रही है नीली वाली, हिमालय के पहाड़ों में जाके निकल जाती है और सीधा मनाली होती हुई और बहुत दूर जाती है। रोहतांग पास, अटल टनल, मनाली सारा घुमाते हुए लेके आती है फिर ये वापसी। ट्रेन में सफर करना हो तो ट्रेन से भी जा सकता है, ट्रेन से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ नाव से बहुत दूर जा सकते हैं। सीधा पानी 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 के रास्ते सीधा जा सकते हो आप हिमालय के पहाड़ों पे होती भी। ये हो सकता है कि ये बॉर्डर क्रॉस ना कर जाए इंडिया की, ये थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा के वापसी लाते हैं। करनी है इसकी राइड नहीं करनी, बताओ चलनी है तो बताओ। फाइनली पेमेंट कर दी हमने, ठीक है ना, मैंने इसकी गोंडोला कंफर्म हो चुकी है पेमेंट भैया, तो चलते हैं फिर। तो गाइस फाइनली गोंडोला राइड वाली हमारी टिकट भी आ गई है, बस चलते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है उसका। ये कर रहे हैं एंट्री, जान पड़ेगा जान, जान पड़ेगा जान। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाई रहम जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी। ये उतर रहे हैं अब्दुल भाई, मजा आया, थैंक यू भैया। भाई कैसा रहा अब्दुल भाई, एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? सुपर्ब, आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दिस गोंडोला राइड। जो गोंडोला राइड खुद राइड करेगा तो वो खुद ही एक्सपीरियंस मतलब देख सकता है कैसा है फिलहाल, लेकिन मैं उसको मतलब एक्सपीरियंस को इस वाले अपने बता नहीं सकता कैसा था। बहुत अच्छा लगा और सबसे बेस्ट पार्ट उसमें कि वो भैया गाना गा रहे थे, उन्होंने जो फिर हिंदी गाना गाया तो उनके साथ थोड़ा सा मैं ज्वाइन हो गया था, तो बताना कैसा लगा वो पार्ट। तो गाइज अभी फिलहाल जो है भूख भी लग रही है थोड़ी, रात हो गई है, रात के बज रहे हैं करीब 8:30, और देखते हैं कुछ खाने को मिलता बर्गर वगैरह, बर्गर किंग सामने, ठीक है। मैं जाऊंगा ये वाली लिफ्ट से, तुम जाना इस वाली लिफ्ट से, तुम याली भी खोल दो, सारी खोल दो, जौन सी खुल जाए उससे जाएंगे। खुल गई, खुल गई, कल चलो 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 चलो। सेकेंड फ्लोर बोल रहा है, टॉप फ्लोर बोल, सेकेंड है सेकेंड, चलो गेट आउट। इस जगह है सारे आउटलेट वगैरह, बर्गर किंग हो रहा सामने, मोमो पता वाह, देख लो इस पे अगर लेना है तो कुछ क्या लेगा भाई, मोमो खाएगा बर्गर, मोमो
भैया दो वेजी बर्गर कर देना भाई। हमने लिया था भैया पर्चा, इतना लंबा बन गया पर्चे में, मतलब काम की चीजें तो एक दो लिखी है, फालतू की चीजें लिखी है इतनी लंबी। राउंडिंग वाव वाला मोमो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। दो बर्गर लिए हमने वेजी वाले, और एक जयान के लिए लिया है मोमो। मेरी वजह से लिए मोमो हमने, बस जयान की टोपी मैं लगाऊंगा। लगा लो। यस। बाल बाल कैसे हो गए तेरे? बाल बाल कैसे हो गए? भाई वेटर जल्दी ले आओ, यहाँ रख दो, यहाँ रखो, यहाँ रखो सर, यहाँ रखो। हाँ नहीं सर, थोड़ा सा आप भी रख लो मेरा। नहीं यही रखो। चलो भागो, चलो भागो। अरे देख लो, देख लो। हाँ भाई दोनों भागो, दोनों क्या? ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। ओ भाई साहब फाइनली देखो बर्गर आ गए मनोज भाई मेरे, और ये जयान का मोमो। ये देखो इसकी, देखो शक्ल, देखो शक्ल, शक्ल देखो शक्ल। मियोनीज मंगवाओ, मार के भगा दे। कहेगा नहीं है मियोनीज, यानी चलो भगा दिया, भगा दिया, भगा दिया। मियोनीज है नहीं भाई, भाई मियोनीज नहीं है, साला खाली चटनी से काम चलाओ। चटनी मत ले यार, चटनी कोई बात नहीं, मिलूंगा ही। बच्चे का मोमो खा गया देखो बंदा। ये पांच तो इसमें पूरे हैं, ये छठा कहाँ से आया तेरे पास? अच्छा इसमें भी लगा है क्या? अच्छा हमारे बर्गर के अंदर है ना, तो भूल गया था मोमो वाला बर्गर है। फालतू का नाम होता है मोमो, मोमो कुछ नहीं है, बकवास होगा। मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूंगा कि कोई यहाँ पर आए और खाए मोमो। 10 रुपये वाले मोमो खा लो बार रोज, वो बढ़िया। मतलब 139 रुपीज के 5 मोमो, वो भी इतने थे तो हाथ लग के फट गए, और उसके अंदर से निकल गया सारा जो भी इसकी फिलिंग थी। लिटरली आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द मोमो फैक्ट्री। वाओ तो सिर्फ नाम है, वाओ वाओ में कुछ भी नहीं है, वाओ का डब्लू भी नहीं है इसमें। इससे बढ़िया तो मैं सोच रहा था भाई इनसे ले लेते कुछ बढ़िया था। बर्गर किंग भी ठीक था वैसे, सच बताओ ना तो उसका एक्सपीरियंस एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मोमो का मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वाओ वाले मोमो मतलब इस तरीके से देंगे हमें कुछ, कि 139 रुपीज़ में 5 मोमो, और वो मोमो में ना कोई टेस्ट ना कोई मतलब कुछ भी नहीं, मज़ा तो था ही नहीं उसमें ज़रा सा भी। वो स्नो पार्क भी है इसके अंदर -12 डिग्री में, ठंड तो यार वैसी बाहर बहुत हो रही है, क्या करना है जाके। टेम्पल लाइन पार्क 530 मिनट एक्सपीरियंस की एडवेंचर, नॉट वर्थ फॉर इट। इससे बढ़िया फोटो ले लेते हैं यहाँ खड़े होकर कुछ, ठीक है ना? ये बता रहे हैं -12 डिग्री रहता है टेम्परेचर अंदर। है भाई तुम करना चाहोगे क्या? नहीं भाई अभी ठंड है, अभी अभी जाऊँगा मैं। मनाली रोहतांग पास में बर्फ से खेल के आए थे पिछले ब्लॉग में, आपने देखा होगा मनाली वाले बंद यार शायद लिफ्ट से चल रहे नीचे, टांग थक गई है चल चल के, खुल गई देखो, इसे पता था हम आने वाले। चलो हमें ले चलो नीचे ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे ले चलो, तो हम चल रहे हैं आप सीधा घर। गिर गया भाई, सब लॉक हो रहे हैं, सब स्टोर्स वगैरह बंद हो रहे हैं, हम भी चलते हैं अब घर। यार ये 50 रुपये वाला बर्गर दिखाते हैं, कभी मिलता नहीं है। जल्दी भागो, ग्राउंड फ्लोर किधर है? हाँ भाई गिर गया, सच में गिर गया पिलो। लगी ओ भाई गिर गया, अब इतनी चिकनी जगह पे गिर गए तुम, इतनी चिकनी जगह पे गिर गए। ओ भाई यार दिखाओ का लगी, यहाँ लगी घुटने में भाई। देखो बच्चा तक नहीं गिरा, ये बंदा गिर गया इसका, देखो देखो फिर पिछले जा रहा है। चलते हैं भाई नीचे अपनी पार्किंग में, पिछली बार की तरह फिर ऐसी हुआ मॉल में गाड़ी गायब हो गई। गाड़ी खो गई, मिली नहीं यार, इधर से तो आई नहीं, हम पिछले वाले ब्लॉग में हमारी गाड़ी गुम गई थी, बीप बजा बजा के ढूंढी थी। आज करती है नहीं करती देखते हैं, वाली ले लेते हैं गाड़ी फिर, कोई नहीं ये वाली उठा लो, ये भी अपनी समझो। अबे खुल देखो, बज गए गाड़ी अपनी, अपने मालिक की पहचान कर चुकी है, उसका मालिक आ रहा है। तो नहीं दम था क्या खोलने का? खोलो खोल खोल ना, अबे खोल, पूरी ताकत लगा दी, लॉक नहीं खुला। खोलो अब भाई, वो मेरी सीट है, चल गाली कर पीछे जा, गाड़ी उठाते हैं अपनी चलते हैं। गेट कूलर एक घुमाओ घुमाओ, उधर को जाना है। मोस्ट वेलकम, आज पूरे मॉल में ऐसे छुट्टियां रख के घुमाऊं, पहले कभी छुट्टियां उठिया थी बांधी नहीं है जी,
और खासकर पब्लिक प्लेस में से घूमना, तो ये मेरे लिए एक बड़ा टास्क था। मनोज भाई कह रहे थे कर नहीं पाओगे तुम ऐसा, मैंने कहा मैं कर लूंगा। थोड़ी देर बाद मुझे पता भी नहीं चला मैंने छुट्टियाँ लगा रखी अपनी खोपड़ी के ऊपर। अब मेरे हाथ लगा रहा हूँ ना, अब पता चला मैंने छुट्टियाँ तो यार अभी भी लगी हुई है सिर पे। पार्किंग से एग्जिट करते हैं, एग्जिट भी कर लिए, उसके बाद अब चल रहे हैं सीधा मंजिल अपनी घर। और इसको भी छोड़ूंगा घर पे, इसके घर वाले याद कर दूंगा, इसके बहुत करते हैं याद घर वाले। फिलहाल जो है मतलब बर्गर लेंगे बाहर से, अब ना देसी बर्गर, बर्गर है ना वो रखे तो है, काले गोलगप्पे खाना जरूरी है सेहत के लिए, बहुत बढ़िया होते हैं। एक दो लूंगा बस, ज्यादा नहीं। ये तो मेरी सीट गिर के बैठ गया यार, मैं कहाँ बैठूं? ओ भाई कमांड दे रहा, मुझे पीछे बैठो। बर्गर भी खा लिया अपना वाला, और फिर अब चल रहे हैं हम सीधा सीधा अपने घर की तरफ। बज रहे रात के 11 और मैं घर आ गया हूँ। जियान को उसके घर छोड़ दिया है, मनोज भाई अपने घर चले गए। तो बस वीडियो को मैं यहाँ एंड करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।